नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो जो आंकड़े कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए आ रहे हैं वो महानगरों की व्यवस्था, वहां के इंतजाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हम उस पर बात करेंगे कि आखिर महानगर कितने तैयार हैं कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कोरोना से जुड़ी हुई कुछ खबरें। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना 10,956 इसके नए मामले सामने आए, 396 लोगों की हुई मौत। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,97,000 के पार पहुंची। 1,47,000 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। अब तक 8,498 लोगों की हुई मौत। देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 50% हुआ। देश में छाए कोरोना संकट के बीच राहत देने वाली खबर। लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 का कोई सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ। कोरोना का टेस्ट और क्वारंटाइन ही बीमारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि परीक्षण, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन की रणनीति को जारी रखना होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,687 तक पहुंच गई है। इनमें से 12,731 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 20,871 लोग अब भी संक्रमित। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,085 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी का ऐलान किया गया। इसके तहत 4 दिन बिना ऑक्सीजन सपोर्ट, बिना बुखार और बिना दवा के रह सकने वाले मरीजों को 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों का नियमित तापमान की भी जांच की जाएगी। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों पर हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम अब उन्हें करना होगा। यह आदेश दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लिया है। जिन बेड पर पाइप से ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है वहां ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने को कहा गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल की हालत बेहद ज्यादा खराब है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शवों के बीच रहने को लोग मजबूर हैं। कई लक्षण वाले मरीजों को टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ भर्ती किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 97,648 हुई। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3,607 नए केस सामने आए। 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 152 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,590 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 46,078 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 54,085 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 97 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना से अब तक 1,954 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से प्रदेश के एक और कैबिनेट मंत्री संक्रमित हुए। उन्हें इलाज के लिए कोरोना अस्पताल में एडमिट कराया गया। NCP से संबंध रखने वाले ये कैबिनेट मंत्री प्रदेश के मराठवाड़ा इलाके से चुनकर आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित होने वाले मंत्रियों की संख्या अब 3 हो गई है। पहले संक्रमित हुए दोनों मंत्री ठीक हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया है। शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है। शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना से संबंधित अस्पताल में खाली बेड की जानकारी ऑनलाइन और दूसरे माध्यमों से जनता को उपलब्ध कराएं, जिससे जरूरतमंद लोगों को पता चल सके कि किस अस्पताल में कहां पर बेड उपलब्ध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट को लेकर अमेरिका के विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान भारत और दुनिया में कोरोना संकट पर चर्चा की। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद तमिलनाडु कोरोना संक्रमण का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। वहां पर कोरोना के कुल मामले 38,716 पर पहुंच चुके हैं। इनमें से 20,705 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,662 लोग अब भी कोरोना संक्रमित हैं। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 349 लोग जान गंवा चुके हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में सरकारी गांधी अस्पताल में तेलुगु टीवी चैनल के 36 साल के पत्रकार की कोविड-19 से मौत हो गई। उन्हें 4 जून को किसी और अस्पताल से यहां पर लाया गया था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि जब उन्हें भर्ती कराया गया तो उन्हें निमोनिया था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कई दिक्कतें थी, लेकिन आरोप है कि ऑक्सीजन उन्हें नहीं दिया गया।
हैदराबाद में कोरोना से ठीक हुए मरीजों ने कोरोना के इलाज में मदद के लिए बुलेट थर्मल स्क्रीनिंग कैमरा बनाया है जो एक सेकंड में 30 लोगों का तापमान नाप सकता है। आने वाले समय में ये कैमरा स्कैनर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां पर अब तक कोरोना संक्रमण से 1385 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 22,000 के पार हो चुकी है। इनमें से 15,101 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 5,546 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल के करीब 60 नर्सिंग कर्मियों ने कल वेतन को लेकर धरना दिया। वेतन नहीं दिए जाने से नर्सिंग स्टाफ नाराज है। आरोप है कि 150 नर्सिंग कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया। मुंबई, दिल्ली समेत ही अहमदाबाद भी भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल है। गुजरात के वडोदरा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खंडेराव सब्जी मंडी 85 दिन बाद खुल गई। वडोदरा नगर पालिका ने व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ ही मार्केट शुरू करने को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था जिससे मार्केट बंद की गई। वडोदरा में 1395, गांधीनगर में 434, भावनगर में 154 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बालूर घाट में बने क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के लिए छात्र भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इनके लिए कॉलेज के छात्रों ने राशन का बंदोबस्त किया। छात्र मजदूरों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा के दादाजी धुनीवाले का मंदिर 10 जुलाई तक बंद रहेगा। 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और इस दिन पूरे देश से दादाजी धुनीवाले के भक्त खंडवा पहुंचते हैं। 3 दिन तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव में लगभग 5,00,000 लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से 10 जुलाई तक दादाजी धुनीवाले के मंदिर में दर्शन बंद करने का निर्णय लिया है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन, साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें देखें। जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोज़,